न्यूज 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संत कबीर नगर 26 जून 2021 जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु जिला प्रशासन के मुस्तैद व्यवस्था के तहत नामांकन का कार्य प्रारंभ। जगह जगह पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अपने चाक चौबंद व्यवस्था के तहत हर गली नुक्कड़ महलों में दिखाई पड़ा। उसके बीच जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशियों द्वारा अपना अपना नामांकन सेट दाखिल किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 के श्री कृष्णा चौरसिया द्वारा नामांकन किया गया। नामांकन के दौरान उद्यान राज्य मंत्री राम चौहान, मेहतावल विधायक राकेश सिंह बघेल, युवा भाजपा नेता एवं समाज सेवी वैभव चतुर्वेदी नामांकन प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्थन करते दिखे। वहीं सदर विधायक खलीलाबाद की अनुपस्थित सत्ता पक्ष के विधायक के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ा है। आखिर क्यों नहीं आए सदर विधायक? इस नामांकन प्रक्रिया में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उद्यान मंत्री राम चौहान ने कहा कि कहीं होंगे, ये उनकी समस्या है, आए या ना आए उनकी सोच की बात है। वहीं दूसरी तरफ सपा समर्थित बलराम यादव द्वारा दो सीटों में पर्चा दाखिल किया गया। सना परवीन वार्ड नंबर 6 एक सेट से नामांकन दाखिल किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की भारी तैनाती, जिला प्रशासन पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। नामांकन दाखिला के दौरान सपा प्रत्याशी बलराम यादव के लिए समाजवादी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पूरे शहर में दिखी, लेकिन उस भीड़ को पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया। सूत्रों की माने तो बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन समझाने का प्रयास किया, लेकिन नए मानने पर बल का भी प्रयोग करना पड़ा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।